मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे सम रिक्विजिट एस्पेक्ट्स व्हाइल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेड इन डायग्राम। आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम एंड ग्राफ। मतलब हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो उसे देखते ही लोग समझ जाए, उसके लिए इन्फॉर्मेशन को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन को हमें डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारे सिलेबस में तीन तरह के डायग्राम दिए गए हैं अभी पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट इज अ बार डायग्राम, सेकेंड इज अ ग्रुप बार डायग्राम एंड थर्ड इज अ फायर डायग्राम। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं बार डायग्राम। तो बार डायग्राम में होता क्या है? तो बच्चों, बार डायग्राम में रेक्टेंगुलर शेप के बार अलग अलग विड्थ के अलग अलग साइज के बनते हैं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, राइट। मैं यहाँ पे एक छोटे सा एग्जाम्पल लेता हूँ इन्फॉर्मेशन का। सर फॉर एग्जाम्पल, आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई, राइट। फर्स्ट इज अ ईयर एंड सेकेंड इज अ प्रोडक्शन इन टन। हम किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल एक चीज का प्रोडक्शन लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल समझने के लिए, राइट, तो हम यहां पे लेते हैं ईयर 2011 में किसी चीज जिसका नाम है एक्स, उसका प्रोडक्शन हुआ था 10, राइट। 2012 में उसी चीज का प्रोडक्शन हुआ था 20.5। 2013 में उसी चीज का प्रोडक्शन हुआ था 28.5। 2014 में उसी चीज का प्रोडक्शन हुआ था 40। 2015 में उसी चीज का प्रोडक्शन हुआ था, से फॉर एग्जाम्पल 50। ओके, तो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। आपको जनरली इस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। तो एक हमारे पास एग्जाम्पल के लिए टेबल है, ओके। इस टेबल के ऊपर से हमें बार डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाने के लिए आप सबको बताया कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टू एक्सिस ड्रॉ करते हैं जनरली, राइट। एक्स एक्सिस ऑलवेज डाउन एंड यहां पे वाई, यहां पे ओ, राइट, ओ एक्स एंड ओ वाई। तो ये दो हमें वेरिएबल मिले हैं, तो इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? तो यह जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे कोई इफेक्ट कर सकता नहीं, कोई कुछ भी हो जाए 2012 तो आने वाला है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर टाइम है, प्लेस है, ऐसी चीजें ऑलवेज एक्स एक्सिस पे आती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं नियम, राइट, और बाकी जो बचा प्रोडक्शन वो तो ऑब्वियस है, वाई भी आएगा, ओके। अगर इसे ग्राफ में प्रेजेंट करो तो यहां पे लिख देता हूं मैं 2011, राइट, 2012, 2013, 2014 एंड 2015, ओके। और सेम टू सेम डेटा प्रोडक्शन इनकम उसे भी मैंने प्रेजेंट करो, तो सबसे पहले हम फाइव से स्टार्ट करेंगे, यहां पे 5, 10, 15, राइट, 20, 25, फिर हो जाएगा 30, 35, 40, 45 एंड 50, ओके। सबसे पहले यहां पे हमें स्केल लेना पड़ेगा। स्केल हम लेते हैं कि स्केल एक्स एक्स पे, राइट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ईयर लेते हैं, और वाई एक्स पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
5 टन है, राइट बेटा, हमने 5 टन लिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 5, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5, ओके। अब हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो बार डायग्राम कुछ इस तरह तरीके से ड्रॉ होगा, राइट। इन्फॉर्मेशन देखते जाए 2011 प्रोडक्शन कितना था 10 टन, तो है 2011 यहाँ पर 10, तो इस तरह से राइट, यहाँ पे मैं 10 हो गया हमारा बार, बार नंबर 2 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ था 20.5, तो 2012 यहाँ पे 20, लेकिन ये 20.5 तो यहाँ पे करेंगे राइट 2012 एंड 20.5, ओके। 2013 में 28.5, तो 38 से थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ पे 28.5 राइट 28.5 आपको स्केल यूज करना है ताकि अच्छे से ग्रो हो पाए, राइट। 2014 में 40, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा राइट, एंड 2015 में 50 टन, मतलब यहां पर इसके भी ऊपर, ओके। सो सबसे पहले तो मेरे कुछ डायग्राम उल्टे सुलटे हुए, मेरे पास स्केल नहीं है इसके लिए, मतलब थोड़ी ये देखो आप ग्रो शेप हो गया, बट इट्स ओके, स्केल होगी तो अच्छे से ग्रो पाएगी, तो होगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लोग इस तरह से डिजाइन भी करते हैं, आप भी कर सकते हो राइट। तो ये हो गया हमारा बार ड्राइवर, देखो ये इन्फॉर्मेशन थी, किसी को भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखा 2015 में जो एक्स नाम की हमारी चीज थी प्रोडक्ट का, उसका प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ देख सकते हो 2015 में, तो आप सीधा यहाँ पर ड्रॉइंग कर देंगे 2015 में देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, लेकिन उसका बार सबसे लंबा, सबसे छोटा पार्ट 2011 का राइट। तो हम अगर पिक्चर देखें तो इजीली समझ पा राइट। तो आज हम थोड़े प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इन डायग्राम, ओके। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लेक्चर।